नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार रवि, आपने को तो इस साल गारमेंट के एक्सपोर्ट में मार्जिन बहुत अच्छा मिला। दैट्स गुड न्यूज जी। और श्रीमान हनुमान सेठिया, ब्लैक मनी का मार्जिन कितना रहा? वर्षा जी, आप पत्रकारों में ये बहुत बुरी आदत है, सामने बैठे हुए हाथी को नहीं देखेंगे, उस पे बैठी हुई मक्खियों को गिनेंगे। मक्खियों को जी? वर्षा रानी, आपको तो अपने पेपर में छापना चाहिए कि हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की है कि पूरी दुनिया को कपड़े बना सकती है। क्यों हनुमान जी? अब ये सब बातें छोड़ो, मेरी प्यारी इकलौती दोस्त, तू अकेली अच्छी नहीं लगती, अब तो शादी कर ले। अरे यार, जो बेस्ट था उससे तो तुमने शादी कर ली। तू रवि को डिवोर्स दे दे, मैं उससे अभी शादी करती हूँ। अरे देखो, मेरे ही घर पर डाका डाल रही है। आइडिया बुरा नहीं है। ये तो बेशर्म है ही, तुम भी बेशर्म हो गए। जया, डाका डाल ले दो ना, दोनों बांट के खा लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। वर्षा, तेरे इंडियन एक्सप्रेस में एक गवर्नेंस के लिए ऐड दे दे। बच्चों को संभालना, खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हनुमान भाई को कहा था एक माली के लिए, लेकिन क्यों बे सेठिया, तूने जय भाभी, समझो कल माली का इंतजाम हो गया। जी लो, माली का तो इंतजाम हो गया, और गवर्नेंस के लिए तो मैं कल ऐड दे दूंगी, तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई। Cheers to that. Cheers. Hi रवि। अरे आओ हनुमान सेठिया, आओ। लीजिए जया भाभी, मैं आपके लिए माली ले आया। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते बिटिया साहब। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? साहब, हमारे पिताजी हमको गंगुआ पुकारते थे, और हमारी माताजी हमको गंगू कह के बुलाती थी, और ये साहब हमको गंगाराम कहते हैं। पापा, इनके तीन तीन नाम है। हाँ बेटा, लेकिन आप इन्हें कौन से नाम से पुकारेंगे? मालिका का। शुक्रिया बिटिया साहब,
गंगाराम, यही हमारा बागीचा और घर के पिछवाड़े भी है। पूरे बागीचे की देखभाल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर बगीचा है मेम साहब, हम इसकी बहुत देखभाल करेंगे। हम इसको बच्चों की तरह हरा भरा रखेंगे। अच्छा, तो फिर कब से काम पर आओगे? पहली तारीख, दूसरी तारीख, पांचवी तारीख, पंद्रहवीं तारीख, थोड़ा सा तारीख, तीस तारीख। लो मैम साहब, हम काम पर आ गए। बिटिया साहब, हमको गिनती आती है, हम तो मजाक कर रहे हैं। चल भाई हनुमान सेठिया, तुझे बियर पिलाते हैं। साहिबा, मालिका को कुछ भी चाहिए तो पूछ लेना। अच्छा, मालिका का आपको कुछ चाहिए? हाँ बिटिया, चाहिए तो सही, मगर। मगर क्या? अच्छा बिटिया, एक बात हमको आप ये बताओ, आपको कहानी सुनना पसंद है? बहुत पसंद है। फिर तो हम आपको रोजाना नई नई कहानी सुनाएंगे। प्रॉमिस? ये प्रॉमिस क्या होता है? ले थोड़ा और ले। बस बस बस, बस यार, चढ़ जाएगी। भाभी, आज रात को मेरे घर आना, नहीं भूलना। अरे प्यारे, कैसे भूल सकते हैं हम लोग तेरे कुंवारेपन का गोल्डन जुबली दिवस। जी, जब तुम छोटी सी थी, ये पतली सी थी, अभी अरे हनुमान सेठिया गंगोत्री वाले, तुम्हें तुम्हारे कुंवारेपन का गोल्डन जुबली दिवस मुबारक हो। शुक्रिया। अरे दोस्तों, ये इतने सालों तक कुंवारे क्यों रहे, इसकी भी एक दर्दनाक कहानी है। इनकी जिंदगी वीरान नहीं थी, उसमें भी एक लड़की थी, और उस लड़की का नाम था बिल्लो। करेक्ट। बड़ा धुआंधार रिश्ता दोनों में, लेकिन बीच में आ गया था बिल्लो का बाप, और हमारा प्यारा दुलारा बेचारा हनुमान सेठिया अकड़ा गया इश्क करते हुए। जी हाँ, और बिल्लो के बाप ने मुझे खूब मारा, दबा के मारा, मेरी हड्डियां तोड़ दी, मेरी जान निकाल दी उसने, और मैं घबराहट में बोल गया, बिल्लो मेरी प्रेमिका नहीं, बिल्लो मेरी बहन है। हाँ, और इत्तेफाक से वो दिन राखी का दिन था, और बिल्लो ने फटाफट इनके कलाई पर राखी बांध दी। बस उसके बाद होना क्या था, ये सैया से भैया बन गए। अच्छा, वर्षा नहीं आई? मैंने वर्षा को फोन कर दिया था, लेकिन वो नहीं आए तो अच्छा है। मुझे वर्षा जैसे जर्नलिस्टों से बहुत चिढ़ है। उसने, जानती है आप, अपने पेपर में मेरे बारे में ना जाने क्या कुछ लिख दिया और बात का बतंगड़ बना दिया, और ऊपर से मेरी फोटो छाप दी। अरे बाप रे, इन जर्नलिस्टों से भगवान बचाए, ये हम शरीफ आदमियों के बेडरूम में घुस के ना जाने क्या उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। वर्षा, वर्षा जी, आइए आइए वर्षा जी, मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा था। हाय जया। हाय। हाय। आपके आने से पार्टी की शान बढ़ गई। जी सुना जया, इस लफाड़िए को सुना, आपके आने से महफिल की शान बढ़ गई है। क्या पलटी मारी है यार, अभी इतने जल्दी पलट गया? अभी तो आप वर्षा की धुआंधार बुराई कर रहे थे, अब मक्खन लगा रहे हैं। अबे खामोश क्यों है, जवाब दे। जया जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, पीठ पे बुराई और मुंह पे तारीफ। अच्छा जी। रवि, इस बुराई पे कुछ हो जाए यार। क्यों जया, हो जाए? हो जाए। मगर तरन्नुम में। जी कितना भला आदमी है गंगाराम, बच्चों को कितनी अच्छी तरह संभाल कर रखा है। हाँ। मेम साहब, आप लोग आ गए, दोनों बच्चे खेलते खेलते सो गए। अरे साहिबा, क्या गया बेटा? मम्मी, पापा। अरे साहिबा, बहुत देर हो गई, चलो उठो। अरे पापा, माय गुड गर्ल, सॉरी बेटा, बहुत लेट हो गए, चलो चलकर सोते। सो जा। क्या बात है जया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर वही प्रॉब्लम। तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती? दिखा तो देती, पर अपनी डॉक्टर कमला जी लंदन गई हुई है। तो क्या दुनिया में एक ही डॉक्टर है, मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन, जो स्त्री रोगों के स्पेशलिस्ट भी है? मैं उनसे तुम्हारी आज ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ।
मिसेस जया रवि कपूर, डॉक्टर विल सी यू नाउ। जी। हीमोग्लोबिन काउंट इज लेस। हेलो डॉक्टर। हेलो मिसेस जय रवि कपूर, आई एम डॉक्टर राजन बख्शी, आइए तशरीफ रखिए। आई वॉज गोइंग थ्रू रिपोर्ट्स, आपको अस्थमा भी है। जी। 3 महीने पहले दूसरा बच्चा हुआ है। जी। ब्लीडिंग बहुत होती है। जी हाँ। सब ठीक हो जाएगा। जया जी एक बात कहूं, आप 2 बच्चे की मां हैं मगर लगती नहीं है। डॉक्टर ललिता सिस्टर से कहकर इन्हें गाउन पहना दो, इनका चेकअप करना होगा। यस डॉक्टर, प्लीज कम। डॉक्टर बख्शी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत जल्दी बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर शी इज रेडी। गुड, आइए स्ट्रेचर पर लेट जाइए। हेलो, यस जस्ट अ मिनट प्लीज। डॉक्टर मिसेस रमा शर्मा वांट्स हर टेस्ट रिपोर्ट। हाँ हाँ इट्स रेडी, गो एंड गिव इट टू हर। हेलो, यस आई एम ब्रिंगिंग इट। डॉक्टर ललिता। यस डॉक्टर। ये रिपोर्ट्स देकर आप लैब जाइएगा और वहां से मिसेस कपूर और मिसेस सिंघानिया की टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार करा के आइएगा। ओके डॉक्टर। चेकिंग शुरू की जाए। ग्लव्स क्यों उतार दिया? इसलिए कि बिना ग्लव के चेकअप करना सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये क्या बकवास है? सच पूछिए तो जया जी, औरत का जिस्म एक सांस की तरह होता है जिस पर उंगलियां अपने आप ही मचलने लगती हैं। शट अप। आपकी खूबसूरत आंखें, इतने खूबसूरत होंठ, किस कमबख्त का जी नहीं चाहेगा आपको प्यार करने को। छोड़ो मुझे। अरे जया क्या हुआ, क्या हुआ जया? अरे जया बैठो, बताओ बताओ क्या हुआ? डॉक्टर राजन ने, डॉक्टर, अरे जया क्या कहा डॉक्टर राजन ने? डॉक्टर राजन ने एग्जामिन करते वक्त मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। क्या डॉक्टर राजन की ये जुरत? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। I'll kill that bastard. अगर वो अपने गंदे इरादे में सफल हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। नहीं जया, ऐसा मत कर। तो आप क्या इरादा है? क्या मतलब वर्षा? डॉक्टर राजन ने तुम्हारी इज्जत पर ही नहीं दुनिया के विश्वास पर हमला किया है। इसकी तुम्हें पुलिस
और मेडिकल एसोसिएशन दोनों में कंप्लेन करनी चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं वर्षा, इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। बदनामी कैसी? तुम खामोश रहोगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। पता नहीं उसने आज तक कितनी मरीज औरतों की इज्जत लूटी होगी। और आगे भी करता ही रहेगा। ऐसा नामचीन डॉक्टर जो सेक्स के पीछे पागल हो, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कंप्लेन तुम्हें जरूर करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, और पूरी दुनिया हमारा साथ देगी। मैं डॉक्टर राजन को अखबारों में, वीडियो मैगजीन्स में, टीवी में, सब जगह बदनाम करके रख दूंगी। मगर ये कंप्लेन तुम्हें करनी होगी जया। हाँ जया, हाँ। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से आज दिल्ली लौट आए हैं। आज सुबह कश्मीर घाटी में घुसने वाले उग्रवादियों के गिरोह पर सीमा सुरक्षा बल ने गोली चलाई। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हुआ और 7 उग्रवादियों के जान से मारे जाने की सूचना मिली है। अन्य समाचारों में, प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन बख्शी के ऊपर बलात्कार तथा महिला मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने का जो मुकदमा चल रहा था, उसमें डॉक्टर राजन बख्शी को अदालत द्वारा कसूरवार पाया गया है। बलात्कार की कोशिश करने का ये मुकदमा समाज की एक सम्मानित महिला श्रीमती जया रवि कपूर की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा चलाया गया था। मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मधु कुमार वर्मा ने बलात्कार और दुर्व्यवहार की इन घटनाओं पर खेद व्यक्त करते हुए खास तौर से महिला मरीजों से अपील की थी कि वे अपनी शिकायतें लेकर सामने आएं और अपने सम्मान की रक्षा के साथ साथ डॉक्टरी पेशे की पवित्रता और सम्मान की रक्षा करें। श्रीमती जया रवि कपूर की रिपोर्ट और मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की अपील के बाद 4 महिलाओं ने सामने आने का साहस दिखाया और पुलिस को बताया कि डॉक्टर राजन ने उनके साथ बलात्कार किया था। कौन है? पुलिस, पुलिस, दरवाजा खोलो। डॉक्टर राजन, ओपन द डोर। डॉक्टर राजन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन, ओपन द डोर। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। डॉक्टर राजन, ओपन द डोर। हाय रवि। हाय वर्षा। हाय जया। हाय। देखा आज का पेपर? अरे ऐसे डॉक्टर का तो यही अंजाम होना था। अखबार और टीवी की ताकत देखी? ऐसे मीडिया मगर सही मामलों को उठाए तो क्या नहीं कर सकते। हाँ ये तो है। डॉक्टर राजन, इतना नामचीन डॉक्टर, सजा पाता, शर्मिंदगी उठाता, बदनामी सहता, इससे पहले उस पापी ने आत्महत्या कर ली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो। बड़े अफसोस की बात है मिसेज राजन, ईश्वर की यही मर्जी थी। बेटी, जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। अब हम क्या कहें बेटी, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। कितनी जालिम औरत है वो, जिसने इतने नेक डॉक्टर पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है। कितनी शफा थी उनके हाथों में, मेरे तो सीनियर थे वो। अब उनकी निशानी आपकी कोख में है। खुद अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। अपने को अकेला मत समझना बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बेटी, हम चलते हैं।
अच्छा पेट ही में मर गया। नहीं, नहीं। ये गाड़ी आई 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 कुछ खाया नहीं, कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जिसका पति मर गया हो, पैदा होने से पहले बच्चा मर गया हो, उसे भूख कैसे लग सकती है? आओ मैं खुद भी कोशिश करती हूँ। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है ले जाओ, लेकिन बेटी जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, जीना सीखो। हाँ सिस्टर, जीऊंगी। हाँ बेटी, दिल लगाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए टीवी ऑन करती हूँ। अभी अभी जया जी से बातचीत के दौरान तीन बातें बड़ी साफ हुई। पहली यह कि हिंदुस्तानी औरत शर्म, हया और बदनामी के डर से सारे अत्याचार चुपचाप सह लेती है। दूसरी ये कि अत्याचार करना और अत्याचार सहना ये जुर्म है। और तीसरी ये कि औरत कोमल होती है, कमजोर नहीं, और इसका उन्होंने सबूत भी दिया। डॉक्टर राजन ने उनके साथ इज्जत लूटने की जो शर्मनाक हरकत की थी उसकी सजा कानून ने अगर नहीं दी तो भगवान ने उसे दी। झूठ, मेरा पति कभी ऐसा नहीं कर सकता। और जया जी ने अपनी इस हिम्मतवरी से एक जबरदस्त मिसाल कायम की। तो जया जी, जी आपने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि औरतों पर और उनकी शान पर और उनकी इज्जत पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये जो हमारे लाखों दर्शक अभी आपकी बातचीत सुन रहे थे, उन्हें प्रेरणा देने के लिए, हमारी बहनों को प्रेरणा देने के लिए, लड़कियों को प्रेरणा देने के लिए कुछ शब्द अगर आप कहें तो बेहतर होगा। और मैं चाहूँगा कि वो शब्द अगर आपकी मधुर आवाज़ में हों तो और भी अच्छा हो। जी हाँ कमलेश्वर जी,